हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं या ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल को सीड कर चुकी है, बंगाल को जो है अपने कंट्रोल में कर चुकी है। एंड आफ्टर डैट हमने यहाँ पे अब जो है बात की थी कि कौन कौन सी पॉलिसीज को अपना के अब जो है वो दूसरे एरियाज को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। तो हमने देखा था कि सब्सिडरी अलायंस जो होता है, राइट, सब्सिडरी अलायंस के अंडर जो है यहाँ पे कुछ ऐसी भी स्टेट्स होती हैं जो इस संधि को साइन कर लेती हैं, राइट। एंड इस संधि के अंडर क्या हुआ करता था कि जो रूलर है वो अपनी आर्म फोर्सेस अपनी टेरिटरी में खड़ा नहीं करेगा, एंड वहाँ पे अब जो है कंपनी की फोर्सेस ही खड़ी होंगी। बट कंपनी की फोर्सेस का खर्चा कौन निकालेगा? जो यहाँ पे रूलर है वो ही देगा। बट अगर वो रूलर यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाता है, वो खर्चा निकालने की जो है पेमेंट होती वो नहीं कर पाता है, तो कंपनी क्या करती थी, उसकी जो टेरिटरी है वो सीड कर लेती थी। तो इस तरह से अब जो है कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक तरीके अपना के जो कंपनी है वो इन कुछ टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। हाउएवर वो डायरेक्टली जो है किसी भी अननोन स्टेट के ऊपर जो है वो हमला नहीं करती थी, राइट। तो इन्होंने जो है कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक तरीके जो होते वो अपना के हमले करने की अब कोशिश की थी। तो हम लास्ट वीडियोस में हमने सब्सिडरी अलायंस की बात की थी, राइट। ये उसी में से जो है कि ये पॉलिटिकल तरीका था किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को जो है अपने कंट्रोल में करने की जो कोशिश की जाती है, ये वही तरीका था। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी वॉर विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है जो कि मैसूर के रूलर थे, राइट। अब हम यहाँ पे मैसूर की बात करेंगे, देन उसके बाद में मराठास के साथ भी जो है इनकी वॉर होती ब्रिटिशर्स की, उसकी बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो एज ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हैदराबाद का जो एरिया है, राइट, हैदराबाद हो गया। एंड देन अगर हम बात करें अवध, राइट, तो ये दोनों ही जो है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर चुके थे। एंड इसी सब्सिडरी अलायंस के अंडर ही इन दोनों की जो टेरिटरीज होती हैं, हाफ से भी ज्यादा जो टेरिटरीज होती है वो किसके पास चली जाती है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है वो चली जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मैसूर की, एंड देन जो मराठा की एम्पायर है उनकी बात करेंगे पेशवाज की। ओके, तो जो टीपू सुल्तान है जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है, राइट, तो वो यहाँ पे मैसूर के रूलर थे। तो क्या था यहाँ पे, द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब कंपनी जो है जब ये देखती है कि उसके कंपनी के पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पे खतरा है, कोई एक ऐसा रूलर है, कोई पावरफुल रूलर है, वो उनके लिए खतरा बन सकता है, वो उनकी एक्सपेंशन में जो है एक रुकावट बन सकता है, तो कंपनी अब क्या करती है, वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करने से भी नहीं चूकती है। ओके, मीन डायरेक्ट जो हमला होता है वो यहाँ पे करने से वो नहीं चूकती है। तो हम यहाँ पे ये चीज किस तरह से बोल सकती है, सेम चीज इन्होंने जो है एक साउदर्न इंडियन स्टेट थी हमारी मैसूर, उसके साथ भी किया था। ओके, तो मैसूर जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था जो एरिया है, अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स। पहले हैदर अली थे यहाँ पे, जिन्होंने 1761 से लेके 1782 तक रूल किया था, एंड उनके बेटे थे टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1782 से 1799 तक रूल किया था। ये काफी एबल लीडर थे इनके, जिसके अंडर जो मैसूर एरिया है वो काफी ज्यादा जो है पावरफुल हो जाता है। तो मैसूर जो है वो एक तरह से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होता है मालाबार कोस्ट का, राइट, वो जो है ये एक तरह से ओन करते थे, ये वहां पे जो है इनका कंट्रोल हुआ करता था, जो मालाबार कोस्ट है हमारा यहाँ पे, राइट, वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डेमम। तो वहां पे अब जो है ये जो ट्रेड हुआ करता था वो किसके कंट्रोल में था, वो यहाँ पे टीपू सुल्तान के कंट्रोल में था, मैसूर के कंट्रोल में था। एंड वहीं पे कंपनी अब जो है जो मसाले होते, जो स्पाइसेस होते, जिसका व्यापार किया करती थी कंपनी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा था, पेपर हो गया, कार्डेमम हो गया, तो वहां से वो जो परचेज भी किया करती थी। बट अब क्या रहता है, 1785 में टीपू सुल्तान जो है जो एक्सपोर्ट होता है सैंडलवुड का, पेपर का, कार्डेमम का जो है वो स्टॉप कर देते हैं, वो रोक देते हैं थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, इनके उसके किंगडम के जो भी पोर्ट्स है वहां से जो है कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा इन चीजों का, तो वो जो है यहाँ से रोक देते हैं। एंड लोकल मर्चेंट्स जो होते हैं, ओके, उन्हें भी वो बोल देते हैं कि वो कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, ये भी बोल दिया जाता है टीपू सुल्तान के द्वारा। एंड इवन अब टीपू सुल्तान जो है दूसरी तरफ जो दूसरे यूरोपियंस थे लाइक फ्रेंच हो गए, वो भी हमारे भारत में आए हुए थे, तो उनके साथ जो है क्लोज रिलेशनशिप वो बना लेते हैं, एंड उनकी हेल्प से जो है अपनी आर्मी को,
टीपू सुल्तान क्या करते हैं, फ्रेंच की हेल्प से अपनी आर्मी को भी जो है वो मॉडर्नाइज कर लेते हैं, नए नए जो हथियार होते हैं वो यहाँ पे वो ले आते हैं अपनी आर्मी के लिए। तो ये देख के जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो फ्यूरियस हो जाते हैं, वो आग बबूला हो जाते हैं। एंड क्या होता है, दिस सो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एज ए एम्बिशियस, वो ये देखते हैं कि हैदर अली एंड जो टीपू सुल्तान है वो दोनों ही काफी ज्यादा एम्बिशियस है, एरोगेंट है, एंड उनके लिए वो सबसे डेंजरस भी है। एंड इन्हें अब जो है कंट्रोल करना एंड क्रश करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब जो है कंपनी क्या करती है, इनके साथ जो है चार वो युद्ध करती है। 1767 से 69 के बीच में पहला युद्ध हुआ था, देन 1780 से 84 के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था, 1790 से लेके 92 के बीच में थर्ड, एंड देन एट द एंड 1799 में हुआ था इनका युद्ध, राइट। तो ये एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो कितनी हुई थी, फोर एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। तो ओनली इन द लास्ट, जो मीन यहाँ पे अगर बात करें, पहले जो तीन इनके जितने भी युद्ध होते हैं एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, उसमें कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है ब्रिटिशर्स को। एंड ओनली अगर लास्ट की बात करें 1799 में, जो कि सेरिंगापट्टम की बैटल थी, तो कंपनी को यहाँ पे जो है विक्ट्री मिली थी। ओके, तो टीपू सुल्तान जो है उनकी जो है हत्या कर दी जाती है, अपनी कैपिटल सेरिंगापट्टम जो थी यहाँ पे इनकी मैसूर की, उसे वो डिफेंड करते हुए जो है वो शहीद हो जाते हैं। एंड मैन मैसूर जो है वो किसे दे दिया जाता है, एक पुरानी डायनेस्टीज थी यहाँ पे यहाँ पे मैसूर की, वोदियार्स जो थी, राइट, वो पहले यहाँ पे रूल किया करती थी टीपू सुल्तान से पहले, ने हैदर अली से पहले भी। तो उन्हें जो है मैसूर टेरिटरी जो है दे दी जाती है, एंड अब उनके साथ भी जो है सब्सिडरी अलायंस कर लिया जाता है, मीन इन्हें भी जो है एक पपेट रूलर जो होता है वो यहाँ पे बना दिया जाता है वोदियार्स को, मीन जो है वो उनके इशारे पे ही यहाँ पे काम करेंगे। ओके, तो ये जो एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन, ये वाला जो एरिया था मैसूर एरिया, अब यहाँ पे भी जो है ब्रिटिशर्स पहुंच चुके हैं। एंड दिस वन, ये वाला जो है मालाबार कोस्ट, राइट, ये भी जो है, ये जो एरिया था, ये वाला जो एरिया है वो किसके पास हुआ करता था, वो टीपू सुल्तान के पास हुआ करता था। एंड अब जो है यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, किसका, पेपर का एंड कार्डमम का। ओके, यहाँ पे जो कंपनी है वो ट्रेड किया करती थी, बट आप टीपू सुल्तान जो है इस ट्रेड को जो है मना कर देते हैं, वो इसका जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे पेपर का एंड कार्डमम का, वो जो है स्टॉप कर देते हैं, एंड लोकल मर्चेंट्स को भी बोल देते हैं कि वो जो है कंपनी के साथ जो है व्यापार नहीं करेंगे। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर एंग्लो मैसूर वॉर होती है। राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मराठास, ये यहाँ पे जो पेशवा हुआ करते थे, ये सारी जो है पेशवा टेरिटरीज हुआ करती थी, अब यहाँ पे पहुंचते हैं, ये भी जो है इनके लिए एक बड़ा खतरा बने हुए थे। कौन, यहाँ पे जो पेशवा से जो मराठास थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या फिर ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा खतरा बने हुए थे, अब उसके बारे में देखेंगे। तो मराठास के साथ जो है इनकी वॉर होती है। तो क्या था यहाँ पे, लेट 18th सेंचुरी में जो कंपनी होती है वो अब ये देखती है कि हमें जो है अब मराठा पावर को भी कर्व करना होगा, उसे भी रोकना होगा। एंड अब मराठा जो है वो यहाँ पे थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की 1761 में, राइट। तो वहां पे जो है मराठास को एक तरह से हार का सामना करना पड़ता है। एंड क्या था, यहाँ पे मराठा जो थे वो दिल्ली के ऊपर अपना आप जो है रूल करना चाहते थे, बट जब यहाँ पे मराठा जो है वो हार जाते हैं, राइट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में, तो वहां पे जो है उनके दिल्ली के ऊपर रूल करने का जो एक ड्रीम होता है वो शैटर्ड आउट हो जाता है, क्योंकि जो है वो वहां तक एक तरह से जो है इनका जो रूल था वो इवन जो दिल्ली तक जो है ये पहुंच चुके थे, ये भी काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे थे धीरे धीरे जो मराठास थे। ओके, एंड ये जो मराठास थे इनके कई सारे ग्रुप्स थे, ये जो है एक तरह से मैनी स्टेट्स में जो है ये डिवाइडेड थे आफ्टर अपने अंडर, इनके जो है डिफरेंट चीफ्स हुआ करते थे, इन स्टेट्स के जो है अलग अलग चीफ हुआ करते थे, या जिसे हम सरदार्स भी बोल सकते हैं, जो कि डिफरेंट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, भोंसले थे, तो ये अलग अलग टेरिटरीज को जो है वहां पे रूल किया करते थे, ये वहां के चीफ हुआ करते थे, हाउएवर कंबाइंडली इन्हें मराठा ही बोला जाता है। ओके, तो ये जो है एक इनका अलग ग्रुप हुआ करता था, एक ये इन्होंने कॉन्फिडरेसी भी बनाई हुई थी, ये जो सारी स्टेट्स थी इन मराठास की, तो अंडर अ पेशवा, एंड एक अपना जो है इन्होंने रूलर बनाया हुआ था, जिसे प्रिंसिपल मिनिस्टर ये बोलते थे, या फिर जिसे जो है ये पेशवा भी बोलते थे। ओके, वो जो है मेन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था, एंड उसका बेस कहाँ पे हुआ करता था, पुणे में हुआ करता था पेशवा का। ओके, एंड महाजी सिंधिया सिंधिया एंड जो नाना फर्निस जो है, ये दो फेमस मराठा सोल्जर्स थे लेट 18th सेंचुरी में, जो है इन्हें काफी जो है इनका जो नाम था वो फेमस था। एंड
मराठास के साथ जो है ब्रिटिशर्स की काफी ज्यादा जो है वॉर हुई थी, एंड इन द फर्स्ट वॉर डेट एंडेड इन 1782, पहली वॉर जब हुई थी जो कि 1782 में खत्म होती है, वहां पे जो है ब्रिटिशर्स के बीच में एंड मराठास के बीच में एक संधि होती है जिसे ट्रीटी ऑफ सालबाई बोला जाता है, एंड जिसमें जो है कोई भी क्लियर विक्टर नहीं रहता है, कोई भी क्लियरली यहाँ पे जीता नहीं है। देन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 से लेके 1805 के बीच में, एंड ये जो है अलग अलग एरिया से जो है ये लड़ी जाती है, एंड रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गेनिंग द ओडिशा। तो इस वॉर में अब ओडिशा एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है, एंड देन यमुना रिवर के आसपास का जो एरिया है, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, अब ये भी एरिया जो है अब जो है ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में। अब जो है ये दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, आगरा को भी अपने कंट्रोल में कर चुके हैं, ओके, एंड ओडिशा एरिया जो है वो भी अब इनके पास जा चुका है। फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1817 से लेके 19 के बीच में, तो जिसमें मराठा पावर जो है टोटली क्रश्ड आउट कर दी जाती है, जितना भी एरिया होता है पेशवास का यहाँ पे आपने देखा था, ये सारा ही एरिया जो है यहाँ पे एंड इवन जो दिल्ली एंड आगरा वाला जितना भी एरिया होता है वो सारा ही जो अब इनके पास चला जाता है, इनके कंट्रोल में चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ओके। एंड पेशवा को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है पुणे से, एंड उन्हें जो है कहाँ पे भेज दिया जाता है, कानपुर में भेज दिया जाता है, बितूर एरिया है कानपुर के पास, विद पेंशन, उन्हें जो है पेंशन दे दी जाती है पेशवा को। एंड अब क्या था यहाँ पे, द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास की साउथ की तरफ, मीन अगर हम बात करें यहाँ पे आगरा की, दिल्ली की बात करें तो इस एरिया में, या फिर उड़ीसा की बात करें तो वहां पे जो कंपनी का अब टोटल कंट्रोल था, इनके साथ सब्सिडरी अलायंस नहीं हुआ था, टोटली इन टेरिटरीज को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, ओके। सो वील कंटिन्यू विद दी न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।